वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं कर रही हूँ 11th अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं जीके से रिलेटेड, वो सभी मैं इसमें कवर कर रही हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन था, द बुक सिक्स मशीन इज रिटन बाई, ये किसने लिखी है? देखिए, किताब का पूरा नाम है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट। सिक्स मशीन ये क्यों कह रहा है? ओ, पूरा नाम तो पढ़ दूं, आई लव इट। तो ये कह रहा है कि आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। ये ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है। हमने एक और स्पोर्ट्स पर्सन की जीवनी के से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, अगर आपको याद हो, सानिया मिर्जा, उनकी भी ऑटोबायोग्राफी का नाम आया था। तो ये बुक लिखी गई है क्रिस गेल के द्वारा। ये क्रिकेटर हैं, बहुत ही जाना माना नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में और बहुत सारे छक्के मारते हैं, इसलिए सिक्स मशीन। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट्स पर भी आपके पहले क्वेश्चन आए हैं, आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या है। ओके, तो यहाँ पर SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिगेस्ट मैमल। देखिए, आपने क्लियरली मुझे नहीं भेजा कि बिगेस्ट मैमल ऑन लैंड है, बिगेस्ट मैमल ऑन वाटर है। मैमल्स क्या होते हैं? ये वो जीव होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, उनको सकल करते हैं, फीड करते हैं। ह्यूमंस भी आपके मैमल्स में आते हैं, काउज मैमल्स में आती हैं। तो द बिगेस्ट मैमल इज द ब्लू वेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? आरएनए जो है ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक और होता है वो भी याद कर लेना, डीएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाई होम? गदर पार्टी के फाउंडर्स कौन है? सोहन सिंह बखाना। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये नाम भी मिलेंगे, लाला हरदयाल, और बहुत स्टूडेंट्स को लगता है शायद यही थे। संत बाबा वस्काना सिंह ये आपको मिलेंगे, बाबा ज्वाला सिंह मिलेंगे, संतोख सिंह मिलेंगे। ये जो गदर पार्टी थी ये रेवोल्यूशनरीज की एक पार्टी थी, USA में इसकी नींव रखी गई थी 1913 में। लेकिन इन सभी में ये प्रेजिडेंट थे सोहन सिंह बखाना, तो हम इनके साथ चलेंगे, ये आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स था जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड करना चाहते थे, और ये बनी थी आपकी 31 दिसंबर 1600 में, और इसके बनने के करीबन 7-8 साल के अंदर ही ये भारत आ गए थे, और इन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी थी टू स्टार्ट ट्रेड इन इंडिया। व्हाट इज नेटस्केप नेविगेटर? ये क्या है? ये एक वेब ब्राउजर था। उसके बाद है अर्जुन अवार्ड विनर इन एथलेटिक्स। आपने नहीं लिखा कौन से साल का पूछा गया था, तो मैं प्रिज्यूम करती हूँ 1916 का आपसे पूछा गया होगा। अर्जुन अवार्ड विनर एथलेटिक्स में कौन है, किसको मिला था अर्जुन अवार्ड? वो है आपकी ललिता बब्बर। और अगर आपको याद हो, ललिता बब्बर एक बार पहले भी मैचिंग में आ चुकी हैं, एक तरफ स्पोर्ट्स वुमेन का नाम दिया हुआ था और एक तरफ गेम्स का नाम दिया हुआ था। ललिता बब्बर, इनका मेन इवेंट जो है 3000 मीटर स्टिपल चेस है, जिसमें कि हम उसको बाधा दौड़ बोलते हैं क्योंकि बीच में इसमें एक पानी का भी पोर्शन आपको कवर करना होता है, और ये एशियन चैंपियन भी रही है अपने इवेंट में। तो अर्जुन अवार्ड विनर इन एथलेटिक्स है आपकी ललिता बब्बर, महाराष्ट्र से ये एथलीट हैं। Which country blocked Facebook recently? तो काफी सारे डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या है, चाइना में, ईरान में और नॉर्थ कोरिया में। ये तीन मेन कंट्रीज हैं, इसके अलावा और भी हैं जहां पर फेसबुक आपकी बैन है। ठीक है, ये क्यों बैन कर रहे हैं? ये इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि फेसबुक जो है आजकल काफी पावरफुल मीडियम हो गई है, और इन कंट्रीज में ये फियर है जो वहां पर इन पावर है कि ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस वगैरह के लिए यूज की जा सकती है, सो दे आर बैंड। हिमालयन माउंटेन्स आर व्हाट काइंड ऑफ माउंटेन्स? हिमालयन माउंटेन्स किस प्रकार के माउंटेन्स हैं? तो वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं आपके, रेसिडुअल माउंटेन होते हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, और यंग माउंटेन्स हैं हिमालयाज। इसके अलावा एल्प्स यूरोप में, एंडीज साउथ अमेरिका में, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका और यूरल्स इन रशिया, ये सभी भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। नॉर्वेस्टर्स क्या है? नॉर्वेस्टर्स जो हैं लोकल थंडरस्टॉर्म्स हैं जो इंडिया और बांग्लादेश में ऑकर होते हैं, इनको काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह से स्टूडेंट ने भेजा था कि इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इमरजेंसी प्रोविजन से ऑलरेडी रिलेटेड आ चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आया है तो मैं आपको बता दूं, 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी से जब हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, और 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। Who invented IVF? IVF की खोज किसने की? 1977 में दो लोगों का नाम अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, एक तो स्टेप्टो और रॉबर्ट जी एडवर्ड्स, लेकिन हम चलेंगे रॉबर्ट जी एडवर्ड्स के साथ, ठीक है। रॉबर्ट जी एडवर्ड्स, इन्होंने IVF दिया, और वर्ल्ड की जो फर्स्ट IVF बेबी थी उसका नाम, फर्स्ट IVF बेबी नाम है लाउजी ब्राउन,
25 जुलाई 1978 को पैदा, और रॉबर्ट जी एडवर्ड्स को इनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, बिकॉज आईवीएफ जो है बहुत ही क्रांतिकारी साबित हुआ और इनफर्टिलिटी के लिए अच्छा खासा क्योर बना, इस चीज के लिए रॉबर्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क कितनी है? पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क जो है 6.5 से 6.7 है। आपको अच्छे से पता है कि मिल्क के अंदर आपका लैक्टिक एसिड होता है, और जैसे जैसे मिल्क जो है वो खट्टा होता जाएगा, ये फ्रेश मिल्क का आपको पीएच वैल्यू बता रही हूँ, जैसे जैसे मिल्क आपका खट्टा होता जाएगा तो पीएच वैल्यू जो है वो घटती जाएगी, बिकॉज 7 तो न्यूट्रल होता है, उससे नीचे जो होता है वो एसिडिक होता है, उससे ऊपर जो होता है वो बेसिक होता है। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे ये पीएच वैल्यू से संबंधित, मैंने अपने वीडियोस में कवर किए हैं। लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? ओके, अब देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपका यहाँ पर लोकेटेड है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा स्पेन है, और यहाँ पर हमारा यूके लोकेटेड है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। जिब्राल्टर जो है ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, ओवरसीज क्योंकि ये यूके के पास तो है नहीं, ये लोकेटेड है ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ द इबेरियन पेनिनसुला एंड इट इज द सब्जेक्ट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम बाय स्पेन। स्पेन ने कभी पुराने टाइम में, ये स्पेन का हिस्सा हुआ करता था, और ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है इट वाज कैप्चर्ड इन 1704 ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द स्पैनिश सक्सेशन। तब से इसके ऊपर डिस्प्यूट्स रहे हैं, स्पेन कहता है कि हमें लौटा दिया जाए और यूके कहता है कि नहीं आपने तो हमें सरेंडर कर दिया था। और भी ट्रीटीज हुई लेकिन आज भी ये आपके विवाद का कारण है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब तक इतने ही क्वेश्चंस आए जो नहीं मैं कवर अप कर पाई, जब मैं शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का वीडियो बनाऊंगी उसमें आपके लिए कवर करूंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।